सीपीआई ने 16 विधानसभा सीटों पर लड़ने की है घोषणा, महागठबंधन से बुलावे का है अब भी इंतजार। झारखंड विधानसभा चुनावों में गठबंधन के अंदर सीटों के लिए मारामारी का खेल हुआ शुरू। महागठबंधन के अंदर जेएमएम और कांग्रेस के रुख के पहले ही नाराज चल रही है। जेवीएम के बाद अब सीपीआई ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए विधानसभा की 16 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। साथ ही बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन की एकता की बात करते हुए अब भी महागठबंधन से बुलावे का कर रहे हैं इंतजार। सीपीआई के पूर्व सांसद और राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं की बैठक को महागठबंधन के नेताओं की बैठक में नहीं हो सकती है। जिन 16 विधानसभा सीटों पर सीपीआई ने किया है लड़ने का ऐलान वो है छतरपुर, सिमरिया, भवनाथपुर, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, बेरमो, डूमरी, नाला, बोरियो, काके, बहरागोड़ा, घाटाशिला, सारठ, जरमुंडी, हजारीबाग, बरकट्ठा और डुमरी। साथ ही कह रही है कि इसके अलावा अन्य 3 सीट हैं जिस पर वाम दलों के साथ विचार चल रहा है ताकि अन्य वाम दलों के साथ इन सीटों पर टकराव ना हो। रांची झारखंड से आशुतोष कुमार रंजन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। छतरपुर नहीं, सीपीआई छतरपुर, सिमरिया, भवनाथपुर, बड़का गांव, रामगढ़, मांडू, बेरमो, डुमरी, नाला, बोरियो, कांके, बहरागुड़ा, घाट शिला, तारत, जरमुंडी, हजारीबाग, बरकट्ठा, डुमरी, बरकट्ठा और डुमरी, ये 16 सीटों पर हम लोगों ने कल लड़ने का डिसाइड किया है। नहीं, 16 केवल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और 4 सीटों पर हमारा विचारार्थ है, बाद में बात करेंगे उसमें 4 सीटों को तय करेंगे लड़ाने लगे वो अंडरस्टैंडिंग है विचारार्थ है। उसमें है गुमला, लातेहार, हुसैनाबाद, ये 3 सीट है, तीन है, ये हम लोगों ने कुछ अभी आज लेफ्ट की बैठक हुई है, हम लोगों ने आपस में विचार किया है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि लेफ्ट आपस में नहीं टकराए, तो 2-4 सीटों पर है आपस में, उसको 2-3-4 दिन में हो सकता है 12 तारीख को फिर हमारी बैठक है लेफ्ट का, हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट आपस में नहीं लड़े। दूसरी बात, अब ये बात नहीं कि महागठबंधन में हम नहीं जाएंगे, अगर वो कॉल करेंगे बुलाएंगे तो महागठबंधन की मीटिंग में भी हम जाएंगे, अगर हेमंत सोरेन बुलाएंगे तो, और अगर वो सम्मान के साथ सीटों की शेयरिंग होगा तो महागठबंधन के साथ हम जाने को तैयार है, सीपीआई जाने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से अभी ये अपमानित महसूस कर रहे हैं हम लोग, खास करके सीपीआई के लोग, हमारी एक बड़ी पार्टी है, 3-4 सीट में हम लाए हैं 20,000 से ज़्यादा वोट अगले बार की, ठीक है, लेकिन हार के अलग बात है, हम नहीं सकेट में हैं, लेकिन 40 से 45 सीट इस राज में ऐसा सीट है जहाँ एबव देन 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 वोट, जो वोट ट्रांसफर होगा, तो केवल वो फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला नहीं इनको देखना चाहिए, बल्कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए,
ये सबको लेके कैसे चले, सबको कैसे समान चले, सीपीआई की ताकत है। ठीक है, हम ये काय हम 15-16 एम एल ए रहे हैं, हमारा यहाँ 3-4 एम एल ए रहे हैं जमशेदपुर से, 3-3 एम एल ए रहे हैं धर्मार्थ से, 2-2 एम एल ए गिरिडीह से रहे हैं, हम रहे लगातार। ठीक है, अभी थोड़ा कम हुआ है, मानते हैं थोड़ा हमारा कमजोरी आई है, इसका मतलब एक नहीं सीपीआई का अस्तित्व नहीं है। हम आज भी अस्तित्व में है, 24 जिला में और 21 जिलों में बजाबते हमारा संगठन है पार्टी का। और जैसा कि मैंने कहा कि 40-45 सीट ऐसा है जिसमें 5,000 से ऊपर है, 4-5 सीट ऐसा है जहाँ पर हमको 20,000, 21,000, 19,000 वोट अगले बार भी मिला है, पहले भी मिल रहा है। इसलिए इन सीटों पर हम लड़ने का हमने कल फैसला किया है कि तमाम सीटों पर तैयारी शुरू करो।